तो तो रेडी है जी ओके बिस्मिल्लर रहीम आज सारे मीडिया को हम खुशमदेद कहते हैं पहली मरतबा हम के पी के हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ए शार्ट नोटिस हम कर रहे हैं आज हमारा एक ही पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इन के सेंट्रल सेक्रेट्रेट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया औरत और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली वीडियो बनवाई सबको काशन करवाया गया फिर रऊब हसन साहब को अरेस्ट किया गया सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दस है वो पार्लियामान के बाद है हम इस रेड की उसकी अरेस्ट की शदीदल्फास में सख्त मजम्मत करते हैं हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी खड़ी है और स्ट्रांग रहेगी निशान लिया गया लोगों को रोका गया इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि तीन करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है कानून की बालादस्ती के लिए लाजम है कि आप वारंट के साथ आते हमें इतला देते हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है हमने हमेशा ताउन किया है हम इस मरतबा भी ताउन करते पहले भी नोटस आए हमने कम्प्लाई किया आज भी नोटस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इकतालीस एफिडेविटे जो हमने जमा किए हैं उस इकतालीस एम एन के एफिडेविट में से थर्टी एट जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे आज हमारे के पी के के एम पी एस और पंजाब से हमारे एम पी एस के एफिडेविट जमा होने थे हमारे ऑफिस में पंजाब के एम पी एस के एफिडेविट्स मौजूद थे हमारा सारा रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए टी वी स्क्रीन भी उठाए गए कंप्यूटर भी लिए गए और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन दस वर्कर्स हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद हैं उन सब के फ़ोन बंद आ रहे हैं आप भी हमें नहीं पता कि किस एफ आई आर में किस को कौन मतलूब है जिस वक्त रूब हसन साहब को अरेस्ट किया गया रूब हसन साहब को नीचे ले जाया गया तो रूब हसन साहब सत्तर साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो कैंसर के पेशेंट है उस पर पहले अटैक हो चुका है मेरा कंसर्न था रूब साहब की सेफ्टी इसलिए मैं रूब साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूँ मैं उसके साथ बैठा हूँ पुलिस स्टेशन ले जाया गया पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है कोई केस में मतलूब नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते अलबत् रूब साहब इधर होंगे मैंने रहूब साहब से फिर इजाज़त ली क्योंकि मैं मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था रोकने की इजाज़त नहीं थी रीज़न यही है कि यह पहला मरतबा नहीं था हमारे बाकी साथियों को उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त किसी को चलते हुए अपने जाप पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है इस लाकानूनीत के हम हिलाप है इसला कानूनीत से कुल हासिल नहीं होना लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशत गर्दी के खिलाफ है हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इन शाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने इसम्बली इस में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवरमेंट का जवाब आया हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हकूमत इरादा रखती है उस पर इसीवान को इतमाद मिले हमें ब्रीव किया जाए अस्करी की आदत आके बरीव करे उस पर गवर्नमेंट के तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी इसी वान में ब्रीफिंग होगी वज़ी अजम के सामने ब्रीफिंग होगी इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी और उन्होंने कहा था मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँ आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई एक पोलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो उनको आइसोलेट करना हर वो इकदाम करना जिससे उस पा पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमारे की एम एन साहेबान को उठाया गया उनके भाई को उठाया गया उनके बच्चों को उठाया गया हमारे एक एम साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया उसकी वालदा को 37, 37 फ़ोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से और बच्चा उनको यही कहता रहा ये ख़त्म होना चाहिए अब ये नहीं सिर्फ हमारे मैंने साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया एम पी एस को भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान तहरीक साब इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है इनशाला तरूब हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इन शाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इन शालूब हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा किसी भी बंदे को रोकना बग़ैर वरण के बग़ैर इंक्वायरी के बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के बग़ैर एफ आई आर बताए एस वी सी का नहीं पता कि कौन सा कौन सा एफ आई आर है जिसमें वो मतलूब है या उस एफ आई आर में हमारे और साथी मतलूब है ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा इससे मुल्क का नुकसान होगा इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं अब मैं दावा करूँगा कि उमर साहब इस पर तफसील से बात करें बहुत शुक्रिया जी जनाबी चेयरमैन बस्मिल्लान रहीम सारे खवतिन हजरात पाकिस्तान में सुनने वालों को सारों को खैबर पख़्तून हाउस इस्लामाबाद से असलकुम खन हजरात आज मेरे चेयरमैन और मेरी कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तफसी आपको वो सारे वाकत सुनाए कि जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ तफसी उन्होंने बात कर दी मैं अपनी यहाँ से बात का आगाज शुरू करूँगा और फिर डी जी आई एस पी आर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूँगा जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि एफिडेविट निशाना था रेड बहाना था इस वक्त आगाज मैं यहां से करूंगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पर रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तरीक इंसाफ को क्यों मिले आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं कभी मरियम नवाज की कभी शाहबाज शरीफ की कभी तारड़ की सुनते हैं और यह बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं यहां पर बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम क़ायद वजी अजम इमरान खान साहब को कोट करूंगा वो हमेशा क्या बात करते हैं खौती वजीरजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ पे आपकी सरमाकारी नहीं होगी जब सरमाकारी नहीं होगी आपका कारोबार नहीं चलेगा आपका कारोबार नहीं चलेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा वहाँ पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ेगी जराइम बढ़ेंगे दहशतगर्दी बढ़ेगी रूट कॉज पर जाएँ असली वजह पर जाएँ इधर उधर की बातें छोड़ दें यहाँ पर आपको ये भी दिलाता चलूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंडन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ मीषत की ग्रोथ रेट छः फीसद से ज्यादा थी और ये कोई हमने नहीं डिक्लेयर की ये आपकी पी डीएम गवर्नमेंट और इसाक डाल ने डिक्लेयर की थी ये बात अहम है याद करने की उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मनफी में चली गई इस साल देख लें ना होने के बराबर के खचे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से बात जब हम लोग करते हैं आइन और कानून की खुतिन तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट के कवानीन और जो जितने भी सी आर पी सी के कवानीन है हमें जितने यहाँ पर बैठे हैं हमारे खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के पर्चे हैं आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में हम मुहब्ब वतन लोग हैं हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहब वतन नहीं हैं हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वज़ी अजम इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहब वतन पाकिस्तानी नहीं है कोई अथॉरिटी हम लोग नहीं मानते कि वो ठप्पा लगा के रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी मुल्की वफादारियों के देते हैं पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इसाफ को तीन करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इसाफ को फॉर्म फोर्टी फाइव में कामयाब कराया और हमारी एक सौ अस्सी सीटें और हमारी हुकूमत रिजर्व सीट्स बना के दो तहाई से भी ज्यादा अक्सरियत से बनती थी हम लोग जब बात करते हैं कि जो डी जी आई एस पी आर ने बात की कि आप इल्लीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं बड़ा अच्छा लफ्ज है इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इल्लीगल लीगल स्पेक्ट्रम आए फिर इल्लीगल लीगल स्पेक्ट्रम पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मोसन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था उसके दौर में साढ़े चार सौ अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई बाहर से इंपोर्ट की और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं तो साढ़े चार सौ अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना उस पर इन्वेस्टिगेट करें काकड़ जो साबका वजीर वजीरम था निगरान वजीरजम उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया की खटपट हुई काकड़ ने कहा कि बल्कि हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की साढ़े चार सौ अरब की तो काकड़ ने उसे याद दिलाया फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म फोर्टी फाइव की फिर आप लोग भागेंगे फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया उसका भी आप खोलें फिर उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की गाड़ियों की स्मगलिंग की नॉन कस्टम पेक्ड गाड़ियों की आप बात करते हैं सिगरेट की तंबाकू की स्मगलिंग की बड़ी अच्छी बात मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहां पर खड़े हैं क्या बॉर्डरों पर बलूचिस्तान के पी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पर खड़े हैं अपनी कलम दुआ ले के और अपने रजिस्टर ले के बॉर्डरों की हिफाजत के लिए आप उस चीज़ पर आए हमें बताएं कि यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खुतिनों रात स्मगल कैसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं पाँच सौ अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल हो के पाकिस्तान आता है कोई रात को कोई मखलूकों से पाकिस्तान लाती है एक एक ट्रक पर जो है वो तकरीबन तीस से पैंतीस लाख रुपए दिया जाता है उसमें पहले आए उसको टारगेट करें उन लोगों को टारगेट करें वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास हैं ना बैरिस्टर गौर साहब के पास हैं ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहन या मेरे पास शोएब शाहन साहब या मेरे पास तो नहीं है वो जिन लोगों के पास हैं वो टारगेट करें एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें उसके बाद मैं यहां पर यह भी बात करता चलूं डी जी एस पी आर आई एस पी आर को आर्टिकल सात आर्टिकल सात में हर बार कौमी असेंबली में बहसीत है लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने काफी बार पढ़ा है मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुना देता हूँ मुझे याद है आर्टिकल सेवन रियासत की तशरी करता है रियासत होती क्या चीज है रियासत होती है आपकी वफाकी हकूमत आपकी मजलिस से शूर सेनेट असम्बली आपकी सूबाई हकूमत आपकी सूबाई असम्बली आपका टी एम तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रियासत है जो कि टैक्स आयद कर सकता है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपकी पुलिस आपकी मुसल्लाफा ये आपके टूल्स हैं यानी कि औजार है, है रियासत के इन्होंने जो रियासत ने कहना होता है वो करते हैं और आज की जो डी जी आई एस पी आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खबातिन में आपको वाज तौर पर बात करता हूँ कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट ये सिविलियन हकूमत जो फॉर्म फोर्टी सेवन की हकूमत है ये इसके खिलाफ इसकी नाली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखुन लेने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी तो वो आपका तारण कर लेता या एक्स वाई जेड को वहां पे उठ के कर लेते और डी जी एस आई एस पी आर को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी वो रियासत का एक टूल है एक औजार है रियासत नहीं है इसके साथ साथ यहां पे मैं ये भी कहता चलूं डी जी आई एस पी आर ने कहा जनाब के कवानी बनने चाहिए कवानी होने चाहिए बिल्कुल जो हमारे पास इस वक्त कवानी है जो इंसदाद गर्दी के कवानीन है बहुत सारे कवानी हैं उस पर तो मैंने पहले बता दिया उसको वेपनाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो शख्स बात करता है आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात की है और कहा कि जी लोग जो ग़लत बयानी करते हैं या नरेटिव बनाते हैं क्या अभी हम लोग जब सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर ये कवानी ग़लत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्या ये भी डिजिटल टेररिज्म है अभी हम लोग क्या ये हक भी खो जाएं कि हमारे जो मीडिया के साथी यहां पे बैठे हैं जो आप सारे कैमरामैन और सारे के सारे आपके साथी रिपोर्टर्स बैठे हैं आप बात करेंगे सवाल पूछेंगे तो आप भी डिजिटल टेररिस्ट हैं ये नहीं हो सकता और जो मिसाल दी है माशाल्लाह उन्होंने मिसाल कौन से मुल्कों की दी है कोई वो यूरोपियन ममालिक देते कोई वहां जहां पर वो जमूरियत है वहां की देते मिसाल किसकी देते हैं इराक की मिसाल देते हैं सीरिया की मिसाल देते हैं आपकी लिबिया की जहां पे तो डिक्टेटरशिप्स थी वो मुल्क टूटे इसी लिए कि वहां पे इजहार राय की आजादी नहीं थी सोसाइटी डिप्रेस थी या वो रोल मॉडल है तो फिर तो हालात ठीक नहीं होंगे बदकिस्मती से पाकिस्तान के यहां पर खातिनों जरात मैं ये भी कहता चलूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आप समझें फेलियर है उसने आईएसपीआर को धकेला के वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तरह मैंने अभी जिक्र किया यहां पे इसकी भी मैं बात करता चलूं कि डी जी आई एस पी आर ने बैसीत स्पोक्समैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस उसने बात कम की और उसने पाकिस्तान के वजीर खजाना के हवाले से ज्यादा बात की उसका बनता नहीं था कि वो मीशत के बारे में ये सारी बातचीत करता वो आप औरंगजेब खान फाइनेंस मिनिस्टर पे छोड़ते या पंजाब या किसी और फाइनेंस मिनिस्टर पे बात छोड़ते हाँ यहाँ पे एक और चीज़ डी जी आई एस पी आर ने बात की कि आपके इस इलीगल स्पेक्ट्रम में बेनामी अकाउंट्स के बारे में बात की इन चीज़ों के बारे में बात की तो आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म फोर्टी सेवन का उससे जाके पूछे ना कि भाई जान वो मकसूद चपड़ासी था और कौन था जी दो तीन और भी ऐसे लोग थे जो जो फौत भी हो गए इस दुनिया से चले गए तो वो वो पापड़ वाला पतनी कौन था फालूदे वो फालूदे वाला पापड़ वाला फलाने वाला वो सारे इस दुनिया से चले भी गए तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो फलों को पता है जाके पूछे क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा नामा रखें और कहें कि के जी वे बे, बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें जो वो अयान साहिबा थी जो आ, फ्रंट करती थी उस पर नाम आसिफ अली जरदारी का आता था फॉर्म फोर्टी सेवन के आपका जो सदर है उसके लिए जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था वो क्या था ये ये किसको वो किसकी आंखों में मिट्टी झोल रहे हैं यहां पे हम लोग बात करते हैं जनाब लैंड माफिया की उन्होंने बात की तो अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा साहब के समझी हैं मेरा ख्याल उनका मिठू मिठू उनका कोई नाम आता है उससे उससे साबिर मिठू उससे बात पूछे ना उसके सामने सवाल नामा रखें कि भाईजान ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं तो किधर से आ रही हैं आगाज करें ना घर से हम आपके साथ देते हैं बेफिक्र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजी अजम इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हम लोग सफे अवल में होंगे करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करें फिर आप जनाबे वाला जिस वक्त नारको यानी के मंशियात के हवाले से स्मगलिंग के बारे में बात करते हैं बिल्कुल सही बात है मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पर जा है कौन कर रहे हैं उन लोगों को सामने उनको पकड़ें डीजी एएनएफ को कहें कि सामने लाएं। आप ये सारी चीजें जब तक नहीं करेंगे काम नहीं होगा आपने आपका फोकस हुआ हुआ हमारा साथी है मुराद सईद साहब मुराद सईद साहब रिपोर्ट है क्यों क्योंकि उसने ये ये हिम्मत की कि उसने पॉइंट आउट किया कि मल्क्ड के एरिया में कई लोग आ रहे हैं दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं उस शख्स ने उस नौजवान ने जसारत की उसने कहा जी जनूबी अजला से यह नेक्स्ट टारगेट होगा उसके खिलाफ क्या हुआ रियासत को तो सबसे पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए और रियासत से, से मुराद मेरा रियासत के औजार नहीं जो आपकी हकूमत है वो भी और सारी की सारी रियासत फिर उससे माफी मांगे क्या जी आप सही कहते थे और उसके खिलाफ जो केसेस झूठे बने हुए वो खत्म होने चाहिए इसके साथ साथ जनाब खीन हजरात यहां पर यह मैं बात करूं कि डी जी एस पी आर ने कहा जनाब के आ, ये सारी चीज़ें इ स्पेक्ट्रम ये इसलिए ज़्यादा हुआ स्मगलिंग मंशियात की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तम्बाकू की आपके नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स की गाड़ियों की स्मगलिंग इसलिए हुई क्योंकि हकूमत ने इम्पोर्ट्स रोकी उसको करटेल किया आपकी यादाश्त के लिए ज़रा इंटरनेट खोल के देख लें कि ये ये रिस्ट्रिक्शन या रुकावटें किसने लगाई थी ये इस इसकदार ने लगाई थी जब पी डीएम वन की हुकूमत आई थी और उसके बाद आपका जो आपका जो ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी उसने लगाई थी उसने कंटिन्यू की है आज तक वो जारी है और मैंने अपने बजट स्पीच में भी इसके बारे में जिक्र किया तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ उसको जाके पकड़े वो तो आपके अपने हुक्मरान इधर बैठे हुए हैं तो उनके उनसे जाके पूछ कछ करें अहम बात यह आखिरी दो चार पॉइंट्स लेके फिर हम लोग सवाल जो आते हैं, के बारे में बातचीत की बड़ी अच्छी बात है नकटा बना था 2008 में आठ के बाद शुरू हुआ उसके ऊपर फिर इनैक्ट हुआ फिर कानून साजी हुई वगैरह वगैरह रिपोर्ट आई तकरीबन आपके तेरह और तकरीबन ये पंद्रह सोलह साल से ज्यादा है तो ढाई तीन साल तो पी टी आई की मरकज में और दो सूबों में हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि तीन साल को कोल करके आप ये और इन तीन सालों में देखें कि दहशत गर्दी कम हुई या ज्यादा हुई और उसको हम लोग डंके की चोट में बात करेंगे कि दहशतगर्दी उस दौर में वजी अजम इमरान खान साहब के टाइम पर कम हुई ज्यादा हुई तो किसके दौर में हुई उसको फिर सामने लाए ये हाइब्रिड निजाम और ये चीजें नहीं चल सकती इसके साथ साथ आप बात करते हैं कि ये नेक्टा और एफ ए टी एफ जो बना था ये ये नेक्टा बना किस तरह था और ये और इस इसको अमली जामा एफ ए टी एफ की वजह से पहनाया गया था यहां पर खुवानों जदात में आपसे यह भी कहता चलूं कि जो हमारे वजीर अल अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कल और उन्होंने कहा है कि जो लोग रियासत का नाम लेके कवर लेते हैं उनको एक्सपोज करें उनको सामने आना चाहिए जो बनू का हादसा हुआ हमारे लोग भी गए हमारी साथी भी वहां पे गए मरम रखने के लिए हमने क्या बात की हमने यही बात की कि उस इंसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो अभी बन रहा है इंशाला इंक्वायरी करें सही तरीके से करें आप ये नहीं कह सकते हैं जिस तरह के मेरे चेयरमैन और साथी जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा एक सियासी पार्टी को आप टारगेट करना चाहें क्योंकि आप और ये मुस्लिम लीग नून और ये लोग उस सियासी पार्टी को पाकिस्तान तरीक इंसाफ को फील्ड में वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो लिहाजा ये उन्होंने औजार बनाए ये ये टूल्स के साथ आप उसको आ, ये गलत कवानीन के साथ उसके पीछे पड़े हुए हैं मैं खातिनो ज़ात आखिर में दो चीज आखिरी एक चीज़ बात करके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का शुरू करते हैं रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स है बड़ी उम्र के शख्स हैं जिसने बताया कि कैंसर पेशेंट हैं रऊफ़ हसन साहब के साथ अहमद जजुआ साहब आपके रजवान अहमद साहब आपके जनाबे वाला ग़ुलाम शबीर साहब आपके रहमान साहब आपके फरीद मलिक साहब आपके आ, मुदसर चौधरी साहब और आ, आपके नौमान मलिक नौमान अहमद साहब आपके जनाब फैज़ान मलिक साहब और आ, आपके जनाब नसीम केड़ा साहब आपके आ, आपके आ, प्रोफेसर मज़र साहब और खालिद महमूद गुजर साहब ये वो इनफोस्ट डिसपियड पर्सनज़ हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानी होने चाहिए ओ भाई जो कवानीन हैं जो आइन और कानून के सिलसिला है उस पर तो आप मालदार आमद करें ना आपके जिस वक्त आपके छः जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक तहरीरी खत भेजते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आपके सरगोदा के एंटी इंसद दहशत गर्दी के कोर्ट अदालत के जज एक तहरीरी खत भेजते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स uh, ने उठाया अभी मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लूँ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीपिंग शुरू हो जाएगी न, वो आप सेंसर uh, करना शुरू हो जाएंगे ये तो हमारी आज़ादी अज़ा, है प्रेस की ये हालत है हमारी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर होने से मैं इसलिए नाम अभी नहीं लेता वरना फ्लोर ऑफ हाउस पर बाकी जगहों पर मैं खुला लेता हूँ सो लिहाजा मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते आपकी बात करने पर कथ आपकी सोच पे कथ आपका रोल मॉडल गैर जमहूरी ममालिक और गैर जमहूरी हुकूमतें आप कैसे मुकाबला करेंगे और आपके अपने जो हुक्मरान हैं वही सबसे बड़े चोर और डकैत बैठे हुए हैं और आप उनकी हिफाजत उनको तहफ़ दे रहे हैं तो लिहाजा हदारा ये चीज़ें ना करें और यहाँ पर जब ऐसे इदारे जब उठ के तो उन लोगों का उन लोगों का डिफेंस में बात करते हैं शुगर कोटेड अल्फाज में बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की को डिफेंड करते हैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं इन पार्टियों को डिफेंड करते हैं खुवानों ज़ात वो बात अवाम के दिल अवा, अवाम जो है वो उसको अप्रीशिएट नहीं करती उसको कोई आ, कोई दाद नहीं देती बहुत शुक्रिया आपका मैंने ये बातें करनी थी ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब जनाब तीक तीक एक सेकंड स्पीकर साहब बात कर लें बसम बस मैं मरव साहब की तरह आ, बहुत लंबी बात नहीं करता मुख्तसर दो तीन मिनट में, में बात करूँगा सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए ये मल्क हमारे सबका है हम इसने इस मुल्क में जिंदगी गुजारनी है